हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग ये कर्नाटक में आ चुके हैं, मैं और मेरे भाई के साथ हम लोग दोनों कर्नाटक में आ चुके हैं, ये देख सकते हैं मैं और मेरा भाई। और दूसरी बात, आज हम जा रहे हैं रियून्स ऑफ हम्पी में। रियून्स ऑफ हम्पी मतलब जहाँ पे पहले पुराने ज़माने में जहाँ पे जो महल थे, मंदिर थे, बहुत सारी जगह थी, विजयनगर एम्पायर करके था। तो वहाँ पे मतलब एक समय में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे वॉर हुआ था और सब कुछ टूट फूट गया था। वो मतलब उस समय पे वो जो कंट्री मतलब जो अपना वो एरिया था हम्पी, वो ऐसा एरिया था कि रोम इटली के कंपेयर में भी सबसे अमीर था और कम से कम 5 लाख के ऊपर की वहाँ पे पॉपुलेशन थी। और उस समय बोलना जाएगा तो सबसे बोलते हैं हम मतलब पैसे वाली कंट्री जो है, मतलब पैसे वाली जो एरिया थी वो हम्पी। तो उसके बाद कुछ युद्ध हुआ, कुछ मुगलों ने उसके ऊपर युद्ध करके पूरा मंदिर वंदिर तोड़ताड़ दिया है। तो वही हम लोग देखने चलते हैं कि क्या है वहाँ की हिस्ट्री, कैसी है, सब आपको बताएंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो चलिए गाइस फिर चलते हैं। सो गाइस चलो फिर चलते हैं। टाइम हो चुका है 7:45, टाइम हो चुका है, हमें काफ़ी लेट हो चुके हैं, हम तो हमें निकलना होगा फटाफट। अभी नीचे जाके हम जो भी है ओला या टैक्सी कुछ भी करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं हम्पी के लिए। तो चलिए गाइस आइए फटाफट हम चलते हैं साथ में। हम निकल चुके हैं कोई यहाँ पे ट्रैवल के लिए, मतलब कोई हम लोग बस वस नहीं यूज़ किया आज पहला दिन है, इसलिए हम रिक्शे में जा रहे हैं। करीब हॉस्पेट से वहाँ जाने के लिए 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर का जो फेयर है यहाँ पे 200 रुपये। तो 200 रुपये के फेयर में अभी हम ये भाई हमें छोड़ रहे हैं, हाय बोलो भाई, ये भाई अभी हमें छोड़ रहे हैं और अभी हम निकल चुके हैं हम्पी के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं आगे का सफर कैसा रहेगा।